क्वेश्चन नंबर फोर क्या है? शो दैट द फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी फॉर्म ए फाइनाइट एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू यूर मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। देखो यार ये एग्जाम्पल हम ये जो सवाल है एग्जैक्टली मैं करवा चुका हूं आप लोगों को 5.1 में क्वेश्चन नंबर 5 जो था क्वेश्चन नंबर 5.1 का जो था उसमें जस्ट कमोटेटिव और एसोसिएटिव था, लेकिन मैंने आप लोगों को कमोटेटिव एसोसिएटिव और ऑब्वियसली क्लोजर तो सबसे पहले डिस्कस किया था। तीन प्रॉपर्टी वहां पे इस सवाल में करनी थी आपको, क्वेश्चन नंबर 5.1 में तीन प्रॉपर्टी आपको प्रूफ करनी थी, एक तो क्लोजर प्रूफ करनी थी, बाकी एसोसिएटिव और कमोटेटिव आपको प्रूफ करनी थी। लेकिन मैंने इसी सवाल में 5.1 के क्वेश्चन नंबर 5 में आपको आइडेंटिटी और इनवर्स भी करवाई थी, मैंने वहां पे बताया था कि आगे जाके आप आइडेंटिटी इनवर्स भी निकाल रहे होंगे। तो एग्जैक्ट क्वेश्चन नंबर 4.5.3 में यही काम करना है आपको। सबसे पहली बात ये जो है ना 1 - 1 - i, इनको आप फोर्थ रूट ऑफ यूनिटी कहते हो, तो आपको यही प्रूफ करना है कि ये एबेलियन ग्रुप बना रहे हैं। फाइनाइट इसलिए क्योंकि जो सेट है ये फाइनाइट है, चार एलिमेंट ही है ना, और एबेलियन ग्रुप मतलब चार प्रॉपर्टीज जो मैंने उधर भी करवाई थी और पांचवी कमोटेटिव, एबेलियन का मतलब कमोटेटिव है। तो ये एग्जैक्ट पांच प्रॉपर्टी मैंने क्वेश्चन नंबर 5.3 में करवा दी थी आप लोगों को, सॉरी 5.1 क्वेश्चन नंबर 5 के अंदर एग्जैक्ट यही सवाल मैंने वहां पे करवाया था, तो आप लोग वहीं से कॉपी करना उसका सॉल्यूशन कर लेना। जबकि उस वाले सवाल में जस्ट एसोसिएटिव कमोटेटिव की जरूरत थी, पेपर में अगर वो सवाल आया तो एसोसिएटिव कमोटेटिव ही करना था, लेकिन मैंने एक्स्ट्रा इसलिए बताई थी कि वो सवाल यहां पे भी आ जाएगा तो एक ही दफा बाद वो कंप्लीट हो जाएगी, तो आप वहां से देख लेना। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 है, शो दैट सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 फ्रॉम एन इनफिनिट नॉन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मैट्रिक्स मल्टीप्लीकेशन। बहुत बातें हैं इसके अंदर, एक बात मैं आप लोगों को बताऊंगा। क्वेश्चन नंबर 1 में जो मैंने आप लोगों को पार्ट 6 करवाया था M3 और मल्टीप्लीकेशन, एग्जैक्ट वही वाला काम आपने यहां पे करना है, बस एक चीज थोड़ी डिफरेंट होगी वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, तो हम जरा सॉल्व करेंगे इसको। अच्छा जी ये होगी भाई आइडेंटिटी देख लेंगे यहां पे और यहां पे हम इनवर्स देख लेंगे। तो सवाल क्या है, सवाल यहां पे लिख लेते हैं हम, सवाल ये है कि सॉरी क्वेश्चन नंबर 4 है, मैं क्वेश्चन नंबर 5 करवाने लगा हूं। तो शो दैट द सेट ऑफ ऑल नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2 जिसको आप लिख सकते हो M2 विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। मल्टीप्लीकेशन में यूजुअली आप डॉट लगा रहे होते हो तो डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, स्पेलिंग भी लगा सकते हो या वो मल्टीप्लाई का साइन भी लगा सकते हो, मर्जी है आपकी। और आगे मेंशन कर दो कि M2 जो है ये है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस नॉन, और एक और वर्ड भी था ना इनफिनिट, ये लिख सकते हो इनफाइनाइट मैनी नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस। सबसे पहली बात यहां पे जो वर्ड उन्होंने यूज किया है नॉन सिंगुलर मैट्रिसेस ऑफ ऑर्डर 2, ऑर्डर 2 की जो स्क्वायर मैट्रिस है ना उनको आप M2 लिखते हो, ऑपरेशन यहां पे डिस्कस किया मल्टीप्लीकेशन, तो अलजेब्रिक स्ट्रक्चर तो आपके पास आ गया। लेकिन यहां पे जो M2 है ना वो रैंडमली M2 नहीं है, मतलब कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स नहीं है, M2 मतलब 2x2 की वो वाली स्क्वायर मैट्रिक्स जो कि नॉन सिंगुलर हो, मतलब सिंगुलर अब नहीं हो सकती। वैसे M2 के अंदर सिंगुलर भी आ सकती है नॉन सिंगुलर भी आ सकती है, लेकिन इस वाले सवाल में M2 के अंदर जस्ट वही मैट्रिक्स होंगी जो कि नॉन सिंगुलर है, मतलब ऐसी मैट्रिक्स जिनका डिटरमिनेंट 0 है वो आप निकाल दी। दूसरी बात ऐसी मैट्रिक्स जो नल मैट्रिक्स है वो भी निकल गई क्योंकि नल मैट्रिक्स भी सिंगुलर होती है। तो कहने का मतलब अब जो M2 में मैट्रिसेस है ना उन सब के डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है, मतलब उनका इनवर्स पॉसिबल है। ये बात असल मैंने आपको बतानी है कि अब जो M2 में जो मैट्रिक्स है उनका इनवर्स पॉसिबल है, क्योंकि इनवर्स हर उस मैट्रिक्स का पॉसिबल होता है जो कि नॉन सिंगुलर होती है, और इसमें सारी मैट्रिसेस क्या है नॉन सिंगुलर है। इनफाइनाइट इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि आपको पता है इनफाइनाइट मैनी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कितनी आप स्क्वायर मैट्रिक्स बना सकते हो, रैंडमली कुछ भी बनाते जाओ स्क्वायर मैट्रिक्स बनती जाएगी, तो इसलिए इनफाइनाइट बोला जा रहा है इसको। और प्रूफ क्या करना है आपको, प्रूफ ये करना है कि फॉर्म एन इनफिनिट नॉन एबेलियन ग्रुप। इनफिनिट आपको पता है इनफिनिट ग्रुप आप उसको बोलते हो जिसमें जो सेट है वो इनफाइनाइट है, तो आपको पता है M2 जो है वो एक इनफाइनाइट सेट है, तो इसको इग्नोर कर दो कंफ्यूज करने के लिए। लिखा है नॉन एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप वो होता है कि ग्रुप जो कमोटेटिव हो उसको आप एबेलियन ग्रुप कहते हो, नॉन एबेलियन ग्रुप का मतलब ऐसा ग्रुप जो कि कमोटेटिव ना हो। तो आपने प्रूफ करना है कि M2 और मल्टीप्लीकेशन ये एक ऐसा अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है जो कि नॉन कमोटेटिव ग्रुप बना रहे हैं, जिसमें M2 क्या है इनफाइनाइट मैट्रिसेस हैं, कौन सी नॉन सिंगुलर, और ऑर्डर उनका क्या है 2x2 है। पूरी मैंने पूरा सवाल मैंने आपको समझा दिया, प्रूफ किस तरह करोगे, प्रूफ का मेथड वही होगा
अगर आप क्लोजर प्रॉपर्टी, एक सेकंड मैं पेन ले लूं, अगर यहाँ पे आप क्लोजर प्रॉपर्टी करने लगे हो तो कॉन्सेप्ट आपने वही यूज करना है यहाँ पे कि दो मैट्रिसेस पिक करो, एक मैट्रिक्स है ए, दूसरी मैट्रिक्स है बी, उसको मल्टीप्लाई करो, आपको पता जो रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा, एम टू से बिलोंग कर रहा होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम टू, मतलब ये जो M2 मैट्रिक्स स्क्वायर मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, इसमें से कोई भी आपने दो मैट्रिक्स पिक की A और B, जब आप उनको मल्टीप्लाई करोगे ना यार, तो रिजल्ट में भी 2/2 की स्क्वायर मैट्रिक्स आ रही होगी। और एक बात कंफर्म होती है कि जब दो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स हैं, जब आप उनको मल्टीप्लाई करते हो तो जो रिजल्ट आता है उसमें भी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स मिलती है। ये थ्योरम अलग से आपको पता होना चाहिए, क्योंकि प्रॉपर्टी आपने देखी होगी ना कि डिटरमिनेंट ऑफ ए बी बराबर है डिटरमिनेंट ऑफ ए डिटरमिनेंट ऑफ बी, ये प्रॉपर्टी होती है। अब देखो डिटरमिनेंट ऑफ ए और डिटरमिनेंट ऑफ बी ये तो जीरो नहीं हो सकता, क्योंकि उन्होंने बोला नॉन सिंगुलर है, ए और बी ये जो दो मैट्रिक्स आपने उठाई हैं ये नॉन सिंगुलर होंगी, एम टू से जो भी मैट्रिक्स उठाओगे वो नॉन सिंगुलर ही होंगे ना, तो इन दोनों के डिटरमिनेंट जीरो नहीं हो सकते, मतलब ये पूरी चीज जो है ये जीरो के बराबर नहीं हो सकती। तो अगर ये जीरो के बराबर नहीं हो सकती, इसका मतलब ए बी का डिटरमिनेंट भी जीरो के बराबर नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ए बी का डिटरमिनेंट जीरो है और यहां पे जीरो नहीं आ रहा तो इक्वेशन ही खराब हो जाएगी ना। तो जब भी ए और बी नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है तो जब आप ए बी करोगे तो वो भी क्या होगी, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स होगी, क्योंकि इस इक्वेशन को आपने सेटिस्फाई करवाना होगा। तो दैट्स व्हाई जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो वो भी एम टू से ही बिलोंग कर रहा होगा, दैट्स इट, आप लिख सकते हो देयरफॉर एम टू इज क्लोज्ड अंडर मल्टीप्लीकेशन। तो क्लोजर लॉ तो आपका प्रूव हो गया। एसोसिएटिव में तो कोई इशू नहीं है यार, मैंने बताया जो भी मैट्रिक्स है अगर उनमें मल्टीप्लीकेशन पॉसिबल है तो वो एसोसिएटिव होती है। और आपको पता है यहाँ पे M2 है, मतलब सारी 2/2 की मैट्रिक्स है, तो 2/2 की कोई भी मैट्रिक्स ले लो उनमें आसानी से मल्टीप्लीकेशन हो जाती है, उसमें तो कोई इशू नहीं है। तो कंसीडर कर लो आपने तीन 2/2 की मैट्रिक्स ली है, तो आप पहले ए और बी को सॉल्व करो और उसको सी से मल्टीप्लाई करो, ये बराबर होगा यहाँ पे कि आप बी और सी को करो, जो रिजल्ट है उसको ए से करो, फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एम टू। तो आप लिख देना देयरफॉर M2 is associative under multiplication, तो associative भी पूरा हो गया। उसके बाद identity है, आपको पता है भाई M2 के अंदर एक ऐसी matrix भी होगी जो कि ये होगी I2, जो कि बराबर होगी 1001, ये belong करेगी इस M2 से। क्यों belong करेगी, क्योंकि एक तो ये 2/2 की है तो इस matrix में होनी चाहिए, दूसरी बात ये non singular है, M2 के अंदर सिर्फ 2/2 नहीं है बल्कि नॉन सिंगुलर भी होनी चाहिए। तो आपको पता है आइडेंटिटी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर होती है, डिटरमिनेंट निकालो 1 आता है इसका, तो नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है। तो पूरी शरायत पूरी है, 2/2 की है, नॉन सिंगुलर है, डेफिनेटली M2 से बिलोंग कर रही होगी, ठीक है। और ये वो मैट्रिक्स है जब आप इसको ए से मल्टीप्लाई करो, और अगेन ऑर्डर मैटर नहीं करेगा, मल्टीप्लाई करो रिजल्ट में ए आ रहा है। तो ये तो आइडेंटिटी होती है कि जब आप किसी आइडेंटिटी को किसी से मल्टीप्लाई करो तो उसको कोई फर्क ना पड़े। फॉर ऑल A belongs to M2, कोई भी आप M2 से मैट्रिक्स A उठाओ उसको I2 से मल्टीप्लाई करो, रिजल्ट A ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देयरफॉर यहां से मैं पता चला कि I2 is the identity matrix of M2, तो यहां से पता चला कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी एग्जिस्ट कर रही है, तो तीसरी प्रॉपर्टी भी सेटिस्फाई। चौथी क्या है, इनवर्स। अब इनवर्स यहां पर सेटिस्फाई होगा कैसे, बिकॉज यहां पे आप लिख सकते हो एवरी मैट्रिक्स ऑफ ए टू सॉरी ऑफ एम टू हैव इनवर्स, एवरी मैट्रिक्स ऑफ एम टू हैज इनवर्स होगा या हैव इनवर्स होगा ये देख लेना आप लोग, बिकॉज आगे मेंशन भी कर दो, बिकॉज ऑल मैट्रिसेस आर नॉन सिंगुलर so inverse exist, तो inverse exist, तो therefore मैंने क्या बात लिखी है, अपने इंग्लिश में लिख देना जो भी आप बताना चाह रहे हो, कि एवरी मैट्रिक्स M2 का इनवर्स एग्जिस्ट करेगा यहां पे, क्यों, क्योंकि M2 में जो भी मैट्रिक्स है वो नॉन सिंगुलर है। तो अगर सारी मैट्रिक्स नॉन सिंगुलर है इसका मतलब सबके इनवर्स एग्जिस्ट करते हैं, और जब सबके इनवर्स एग्जिस्ट करेंगे तो वो इस बात को सेटिस्फाई करेंगे, किस बात को, जब ए को आप मल्टीप्लाई करोगे ए इनवर्स से, या ए इनवर्स को मल्टीप्लाई करो ए से, रिजल्ट में आपके पास आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सी आएगी, I2 होगी ना, क्योंकि A और A इनवर्स दोनों 2/2 के मैट्रिक्स हैं, तो जो आइडेंटिटी मैट्रिक्स आएगी वो भी 2 से आएगी। तो फॉर ऑल A और A इनवर्स बिलोंग टू M2,
तो यहां पे जो मैट्रिक्स ए आप पिक कर रहे हो और जो उसका इनवर्स है ये M2 में मौजूद होगा, तो देयरफॉर इनवर्स वाली प्रॉपर्टी है वो भी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। अब सवाल ये ग्रुप तो बन गया है, आपको प्रूफ करना था कि नॉन एबिलियन ग्रुप है ये, तो ग्रुप तो आपने प्रूफ कर दिया, अब नॉन एबिलियन कैसे करोगे? अब आप पांचवी प्रॉपर्टी डिस्कस करना कमुटेटिव, और आप लिखना के ए स्टेरिक बी इज नॉट इक्वल टू बी स्टेरिक ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम टू। जनरली आप जनरली लिख सकते हो नीचे, कुछ ऐसे केसेस होते हैं जिसमें बराबर हो जाता है, जैसे आप इसमें देखा कि बराबर है, कमुटेटिव है, ये दोनों कमुटेटिव है, उसी वक्त होता है जब एक आइडेंटिटी हो या एक मैट्रिक्स इनवर्स हो या एक मैट्रिक्स स्क्वायर हो दूसरी का, फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स जो है वो बेसिकली ए स्क्वायर हो, मतलब मैट्रिक्स ए का स्क्वायर हो, तो तब भी आपके पास कमुटेटिव बन जाएगा, लेकिन वो बहुत ही स्पेसिफिक कंडीशन होती है। ठीक है, अगर एक मैट्रिक्स नल मैट्रिक्स हो, फॉर एग्जाम्पल बी मैट्रिक्स नल है, तो तब भी कमुटेटिव बन जाएगा, लेकिन वो स्पेसिफिक कंडीशन है। जनरली ए मल्टीप्लाई बी या बी मल्टीप्लाई कभी भी बराबर नहीं होता, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एम टू। तो अब आप फाइनल रिवर्स लिखो, देयरफॉर एम टू और मल्टीप्लीकेशन फॉर्म एन नहीं फॉर्म अ नॉन एबिलियन ग्रुप। ठीक है, तो अगर ये वाली शर्त ना होती तो ग्रुप ही नहीं बन रहा होता, क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं हुई थी जो आपने पार्ट नंबर 6 में देखी थी, क्वेश्चन नंबर 1 के इसी एक्सरसाइज में। लेकिन नॉन सिंगुलर ने बोल दिया तो इनवर्स एग्जिस्ट कर रहा है, लेकिन अभी भी जो कमोटेटिव प्रॉपर्टी है वो तो ठीक नहीं हो सकती, मैट्रिक्स के अंदर कमोटेटिव है अनलेस कुछ कंडीशंस हैं जो मैंने आपको बताई हैं, वरना वो कमोटेटिव नहीं होती। तो जो कमोटेटिव नहीं है उसको आप क्या बोलते हैं? नॉन एबिलियन, और चार बातों को सेटिस्फाई किया था तो आप बोलोगे ग्रुप, सवाल आपका बच्चों प्रूव हो गया। तो क्वेश्चन नंबर 6 में लिखा हुआ है इस आर और एक ऑपरेटर लिखा हुआ है, क्या ये ग्रुप है या नहीं? कमोटेटिव ग्रुप, अगेन वो पांच बातें देखने का, ये बहुत इजी ऑपरेटर है, मैं बता देता हूं आपको, ओवरली बता देता हूं कि ये अलजेब्रिक स्ट्रक्चर गिवन है आपको, और जो ऑपरेटर है इसको डिफाइन किया हुआ है किसके बराबर है, ये बराबर है 7ab के। एग्जैक्ट इसी टाइप का सवाल आपने देखा था उधर 5.1 में देखा था, और वहां पे भी आप निकाल ले होते थे, मैं आपको बता देता हूं। क्वेश्चन नंबर 9 अगर आप देखो इसी टाइप का, यहां पे 4ab है, 5.1 में 4ab था, यहां पे 7ab, ये बात एक ही है, वहां पे रैशनल नंबर था, यहां पे रियल नंबर है, एक ही बात होती है। तो अगर आप देखो सबसे पहले कमोटेटिव आपको निकालना था, फिर एसोसिएटिव, फिर आइडेंटिटी, फिर इनवर्स, और उससे पहले आपने बाइनरी ऑपरेशन, मतलब जाहिर सी बात है बाइनरी ऑपरेशन तो है, मतलब क्लोजर भी सेटिस्फाई होगी, तो सब काम आप उधर करके आ चुके हो। इधर आपने किस तरह करना है, सबसे पहले आपने क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई करनी है, ग्रुप के लिए बेसिक बात तो क्लोजर है, तो आप बोल देना भाई कि आप कोई भी दो नंबर पिक करो रियल नंबर में से, जब आप उनके दरमियान ऑपरेट करवाओगे तो रिजल्ट जो है वो किसके बराबर होगा, मतलब स्मॉल ए यूज कर लेना, कि रिजल्ट जो है वो किसके बराबर होगा, रियल के बराबर होगा, फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर। मतलब रियल नंबर क्या, आप कोई भी दो रियल नंबर उठाओ उनके दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करो, ये ऑपरेटर क्या है बेसिकली, ये ऑपरेटर है 7ab। आपको पता है यहाँ a और b की मैं कोई भी रियल वैल्यू पुट करो तो आंसर मेरे पास रियल ही आएगा, ऐसा तो नहीं इमेजिनरी हो जाएगा भाई, a और b कोई भी रियल पुट करो तो आंसर रियल ही आ रहा होगा, इसका मतलब a स्टैटिक b यहाँ पे रियल ही है, तो क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो जाएगी। दूसरी एसोसिएटिव है, एसोसिएटिव भी बच्चों वाली है यार, a स्टैटिक b स्टैटिक c, इसको सॉल्व करना है, ए स्टैटिक बी होता है 7ab, अच्छा उसका स्टैटिक लॉ सी से, तो इसका आंसर हो जाएगा 4ab। जब इन दोनों के दरमियान अप्लाई करोगे ना, तो पहली वाली चीज को फॉर एग्जांपल ए ले लो, दूसरी वाली चीज को बी ले लो, तो आंसर क्या होगा, यहां पे आंसर होगा 7a, ए आपका क्या है 7ab और बी आपका क्या है सी, तो इन दोनों के दरमियान जब ये वाला ऑपरेटर अप्लाई करोगे आंसर आएगा 7, मतलब सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 49abc। इसका आंसर 49abc है, आप इसका आंसर निकालना, इसका आंसर ये बच्चों 49abc आएगा, तो समझ जाना एसोसिएटिव भी है। आइडेंटिटी किस तरह निकालोगे, बहुत इजी है, आइडेंटिटी निकालने का तरीका ये होगा जो मैंने बहुत दफा बताया कि आइडेंटिटी को ऑपरेट करवाओ कोई फर्क नहीं पड़ता, इनके इनमें ये ऑपरेटर अप्लाई करो, आंसर आएगा 7ae, और इस तरफ तो ए है, ए से ए कैंसिल, आइडेंटिटी की वैल्यू आ जाएगी 1/7, और डेफिनेटली 1/7 रियल नंबर से बिलोंग करता है, इसका मतलब आइडेंटिटी एलिमेंट भी एग्जिस्ट करता है। चौथी चीज होगी इनवर्स ग्रुप के लिए, इनवर्स भी आप निकाल सकते हैं, इनवर्स की प्रॉपर्टी क्या है कि अगर किसी एक एलिमेंट को आप उसके इनवर्स से ऑपरेट करवाओगे रिजल्ट में आइडेंटिटी आनी चाहिए, तो इन दोनों के दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करो, ये हो जाएगा 7ae इनवर्स, और आइडेंटिटी आपने पहले निकाली है 1/7, इस 7 को वहां जाकर डिवाइड करवा दो, ये हो जाएगा 49,
और ए इनवर्स क्या आ जाएगा, इनवर्स आ जाएगा 1/49, इस ए को जाके डिवाइड करवाओ 1/49 ए। और कहने का मतलब कोई भी आप एलिमेंट पिक करोगे, यहां पे पुट करोगे, इसका इनवर्स आ जाएगा। फॉर एग्जांपल आप 7 का इनवर्स निकालना चाह रहे हो, तो आप ए की जगह 7 पुट करो, मैं समझ 243 हो जाएगा शायद, 1/243, तो ऑब्वियसली 1/243 बिलोंग करता है रियल नंबर से, देख लेना 7 पे 243 हो रहा है नहीं हो रहा, मुझे लग तो नहीं रहा 243 होगा, कुछ 300 में कुछ आंसर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप 2 का निकालना चाह रहे हो, तो आप ए की जगह 2 पुट कर दो यहाँ पे, तो 1/98 ये 2 का इनवर्स हो जाएगा। तो कहने का मतलब जो भी इनवर्स आ रहा है वो किससे बिलोंग कर रहा है, रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है, इसका मतलब हर एलिमेंट का यहाँ पे इनवर्स जो है वो एग्जिस्ट कर रहा होगा। लेकिन एक मसला है यहाँ पे, मसला यहाँ पे ये है कि अगर आप यहाँ पे 0 पुट करोगे तो 0 का इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करेगा। क्यों? अगर आप ए की जगह यहाँ पे 0 पुट करोगे तो आपके पास आंसर आएगा 1/0, और आपको पता है 1/0 मतलब इसका इनवर्स एग्जिस्ट नहीं करता। तो कहने का मतलब एकदम से मेरे ध्यान में बात आ गई, तो कहने का मतलब आप ये करने के बाद लिख देना कि इफ ए इक्वल टू 0 देन इनवर्स डज नॉट बिलोंग टू रियल नंबर। कि अगर ए 0 कर दिया तो मतलब 0 का इनवर्स नहीं आ सकता। वैसे भी आप मैनुअल अगर निकालना चाहो तो 0 का इनवर्स कैसे निकालोगे, ये कंडीशन रखोगे ना कि 0 का इनवर्स और इक्वल आपने रखा 1/7 की आइडेंटिटी जो है, जब इस पे ऑपरेशन अप्लाई करो ये हो जाएगा 4 0 ए इनवर्स। ठीक है, 4 0 0 होता है, 0 को जाके डिवाइड कराओगे वहां पे, तो ऑब्वियसली इनवर्स पॉसिबल नहीं है। तो आप देख देना सिंस किसी एक एलिमेंट का भी इनवर्स यहां पे पॉसिबल नहीं है, सॉरी मतलब एक एलिमेंट का इनवर्स पॉसिबल नहीं है, बाकी सबका पॉसिबल है, देयरफॉर यह चीज है ये ग्रुप यहां पे नहीं। पूछा उन्होंने कम्यूटेटिव ग्रुप था, लेकिन जाहिर सी बात है ग्रुप ही नहीं बन रहा, तो कम्यूटेटिव कम्यूटेटिव तो है यहाँ पे, अगर आप देखो कम्यूटेटिव तो है लेकिन ग्रुप इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि इनवर्स प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई नहीं कर रहा। तो आप लिख देना सिंस इनवर्स प्रॉपर्टी डजंट सेटिस्फाई, तो ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, कम्यूटेटिव तो है लेकिन ग्रुप नहीं है। और बाकी बातें भी सेटिस्फाई कर रहे हैं, मोनोइड हो सकता है, ये सेमी ग्रुप हो सकता है, ग्रुपॉइड हो सकता है, लेकिन ये कम्यूटेटिव ग्रुप नहीं है, ये इसके अंदर मसला है। उसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर 7 है, क्वेश्चन नंबर 7 में आपसे बोला हुआ शो दैट द सेट ऑफ ऑल मैट्रिसेस ऑफ द फॉर्म, आपको एक मैट्रिक्स गिवन है, ये मैट्रिक्स है कॉस थीटा साइन थीटा माइनस साइन थीटा कॉस थीटा, वेयर थीटा बिलोंग्स टू एवरी रियल नंबर, फॉर्म एन एबेलियन ग्रुप विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। कि यार वो एक ग्रुप बना रहे हैं एबेलियन ग्रुप, एबेलियन ग्रुप मतलब कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी भी वहां पे सेटिस्फाई हो रही होगी। अब यूजुअली मैट्रिसेस के अंदर कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी होती नहीं है, लेकिन जो इन्होंने फॉर्म दी हुई है ना, जाहिर सी बात है हर मैट्रिक्स इस फॉर्म में तो आप नहीं लिख सकते, कोई स्पेसिफिक मैट्रिक्स होती है जिनको आप इस फॉर्म में लिखते हो, हर मैट्रिक्स इस फॉर्म में लिखी नहीं जा सकती। तो कहने का मतलब यह है कि ये जो फॉर्म मैट्रिक्स की गिवन है आपको, मे बी ये कम्यूटेटिव हो, ये आपको चेक करना पड़ेगा, वैसे यूजुअली मैट्रिसेस होती नहीं है। तो आप किस तरह चेक करोगे, अगेन वो 5 प्रॉपर्टी डिस्कस करनी है आपको। अभी सवाल नॉर्मली पेपर में आएगा नहीं क्योंकि बड़ा सवाल बनेगा, मैं बताऊंगा क्यों बड़ा सवाल बन रहा है। अब नॉर्मली जो क्लोजर प्रॉपर्टी है उसके लिए आपको आप कह दिया करते थे कि आप जो नॉर्मल मल्टीप्लीकेशन है वो क्लोजर प्रॉपर्टी सेटिस्फाई हो रही है उसके अंदर। लेकिन यहां पे जैसे 2/2 की मैट्रिक्स है, 3/3 की है, लेकिन यहां पे जो मैट्रिक्स है वो थोड़ी डिफरेंट फॉर्म है उसकी, तो आपको चेक करना पड़ेगा, यहां पे दिखाना पड़ेगा कि यार वाकई ये क्लोज है क्योंकि मैट्रिक्स की फॉर्म थोड़ी डिफरेंट हो गई है। तो उसकी वजह से जाहिर सी बात है आपके स्टेप बढ़ेंगे, तो आपको यहां पे लेट करने पड़ेगी 2 मैट्रिक्स, एक मैट्रिक्स आप लेट करो सिंपल कॉस अल्फा ले लो, यार नॉर्मली आप एंगल्स के लिए अल्फा लेते हो ना, तो आप अल्फा ले लो, और दूसरी मैट्रिक्स जो है उसके अंदर आप कॉस बीटा ले लो। तो ये ऐसी मैट्रिक्स जो इस फॉर्म की मैट्रिक्स है, इस फॉर्म की मैट्रिक्स जिसके अंदर जिसमें आप एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मेरे पास लिखा हुआ है 1 0 0 1, क्या मैं इसको इस फॉर्म में लिख सकता हूं? बिल्कुल लिख सकता हूं। मैं इसको इस तरह नहीं लिख सकता कि cos 0 sin 0 और मतलब माइनस साइन 0 कर दो और sin 0 cos 0। कहने का मतलब यह है कि जो पूरी मैट्रिक्स है मैं इसको इस फॉर्म में कन्वर्ट कर रहा हूं। अगर आप देखो यहां पे इधर कॉस है इधर साइन है, ठीक है, इधर माइनस साइन इधर कॉस, देखो एग्जैक्ट वही है, और जो मैंने पुट किया है एंगल वो बिलोंग कर रहा है रियल नंबर से, 0 एक रियल नंबर है, ठीक है। तो अगर आप ऑब्जर्व करो एग्जैक्ट वही चीज आ जाए, कॉस 0 1 होता है, साइन 0 0 0 कॉस 0 1, तो एग्जैक्ट जो मैट्रिक्स है मैंने उसको इस फॉर्म में लिख दिया है। लेकिन हर मैट्रिक्स को मैं इस फॉर्म में लिख नहीं सकता ना। फॉर एग्जाम्पल आपके पास आते हैं यहाँ पे 1 -1, अब लिखो इसको फंस जाओगे, अब तो नहीं लिख सकते आप। तो कहने का मतलब हर मैट्रिक्स को इस फॉर्म में नहीं आप लिख सकते, थोड़ा डिफरेंट है यहां पे, दैट्स व्हाई आपको दिखाना पड़ेंगे सारे स्टेप यहां पे।
तो 12। अब सवाल ये है कि आपने दो मैट्रिक्स सेलेक्ट कर ली जो कि इस फॉर्म में लिखी हुई है, वेयर अल्फा बीटा लिख दो कि फॉर ऑल अल्फा बीटा बिलोंग्स टू रियल नंबर, कि जो भी अल्फा बीटा आप यहां पर पुट कर रहे हो क्या होना चाहिए, रियल नंबर। सवाल के स्टार्ट में उन्होंने आपको बता दिया था। आपने क्या करना है, आपने सिंपल मल्टीप्लाई करना है। तो आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, ये वाली मैट्रिक्स है, ये वाली मैट्रिक्स, आप इसको मल्टीप्लाई करोगे। अब यार मेरे पास गाइड है, गाइड में प्रॉपर स्टेप हुआ है, पूरी ट्रिग्नोमेट्री है, कोई नया काम नहीं है इसके अंदर। तो मैं यहां पे एक तस्वीर लगा दूंगा, तो रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं, वो बाकी आप सिंप्लीफिकेशन जो है वो तस्वीर में देख लेना, रिजल्ट मैं आपको बता देता हूं कि उसको आगे काम आएगा मेरे। अगर ये सवाल पेपर में आएगा नहीं, क्योंकि जाहिर सी बात है आपके स्टेप बहुत बड़े हो जाएंगे, यहाँ पे स्टेप का सवाल देते नहीं है, लेकिन जब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे ना तो आपके पास रिजल्ट में ही आ रहा होगा। रिजल्ट इसका होगा कॉस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा प्लस बीटा, इसी तरह माइनस साइन अल्फा प्लस बीटा कॉस अल्फा प्लस बीटा। ये माइनस जो है दरमियान में नहीं है, साइन के साथ है, तो ये रिजल्ट आ रहा होगा। ठीक है, अब अगर आप इस रिजल्ट को गौर से देखो तो ये एग्जैक्टली बिलोंग कर रहा है इसी मैट्रिक्स की टाइप। फॉर एग्जाम्पल इसको नाम दे देना एम, फॉर एग्जाम्पल, तो ये एग्जैक्टली एम से बिलोंग कर रहा है। क्यों? क्योंकि देखो फॉर्म यही है, कॉस साइन माइनस साइन कॉस, कॉस साइन माइनस साइन कॉस। दूसरी बात, जो इनके एंगल है सबके एंगल सेम है, यहां पे सबके एंगल सेम थे। तीसरी बात, जो एंगल थे वो किससे बिलोंग कर रहे थे, एंगल रियल नंबर से बिलोंग कर रहे थे। आपको पता है अल्फा बीटा रियल नंबर है, तो जब अल्फा और बीटा को ऐड करोगे तब क्या आएगा, तब भी रियल नंबर ही आएगा। इसका मतलब जो इनके एंगल है वो भी रियल नंबर से बिलोंग कर रहे हैं। तो एग्जैक्टली जब मैंने दो मैट्रिक्स को मल्टीप्लाई किया तो यही फॉर्म आ रही है। इसका मतलब यहां पे क्लोजर लॉ आपका सेटिस्फाई हो गया। इन अदर वर्ड्स, मल्टीप्लीकेशन जो है वो बाइनरी ऑपरेटर है इस मैट्रिक्स के अंदर। तो पहली प्रॉपर्टी अभी कंप्लीट हो गई है, इसको मल्टीप्लाई कर लेना। दूसरी प्रॉपर्टी यहां पे क्या होगी, एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी यहां पे अचीव होगी होगी, क्यों? क्योंकि यार देखो मल्टीप्लीकेशन में ना एसोसिएटिव प्रॉपर्टी सेटिस्फाई होती है, ये तो बात हमें कंफर्म पता है, तो आपको अलग से शो करने की जरूरत नहीं। ये बात हमेशा इसमें कंफर्म है कि मैट्रिक्स के अंदर चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन हो, जो जिस भी फॉर्म की मैट्रिक्स हो, क्योंकि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी किसी फॉर्म पे डिपेंड नहीं कर रही होती। ठीक है, क्लोजर प्रॉपर्टी तो फिर कभी डिपेंड कर जाएगी ना किसी फॉर्म के ऊपर, कि कहीं आपका चलो आंसर उससे नहीं आ रहा, कहीं उससे नहीं आ रहा, लेकिन एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा सेटिस्फाई हो रही थी। तो आप लिख देना भाई कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी लाजमी सेटिस्फाई होगी। तो ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी बराबर होगा ए मल्टीप्लाई बी मल्टीप्लाई सी। तो फॉर ऑल ए बी सी बिलोंग्स टू एम, जो सवाल में गिविंग थी उसको एम नाम दे दिया था, तो ये तो सेटिस्फाई होगी। उसके बाद आइडेंटिटी प्रॉपर्टी है। अब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी कैसे प्रूफ करोगे, आइडेंटिटी। तो आपको पता है यहां पे एक मैट्रिक्स एग्जिस्ट करेगी 2x2 की आइडेंटिटी मैट्रिक्स, जो कि बिलोंग कर रही होगी एम से, इस फॉर्म से बिलोंग कर रही होगी। मैंने शुरू में बताया था, चाहो तो आप लिख के दिखा सकते हो कि ये फॉर्म किस टाइप की होगी। इस चीज को कैसे लिख सकते हो, इस चीज को आप लिख सकते हो कॉस जीरो साइन जीरो और माइनस साइन जीरो कॉस जीरो। तो आप दिखाओगे भाई ये जो है ये एग्जैक्ट उसी फॉर्म की है, और अगर आप इसको सिंप्लीफाई करो तो ये बेसिकली आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही है। तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स जो है वो इस, ये जो पूरा सेट ऑफ मैट्रिक्स है ना, उससे बिलोंग कर रही है। और उसकी प्रॉपर्टी क्या होगी कि अगर आप उस आइडेंटिटी मैट्रिक्स को किसी भी ए से मल्टीप्लाई करो तो रिजल्ट में ए आएगा, और ए यहां पर बिलोंग कर रहा है किसी भी एम से। मतलब कोई भी आप एम उठाओ, चाहे ए वाली उठा लो और उसको मल्टीप्लाई करो आई टू से, तो आप ऑब्जर्व करो कि उसको कोई फर्क नहीं पड़ रहा। इसका मतलब आइडेंटिटी प्रॉपर्टी भी यहां पे सेटिस्फाई हो रही है। उसके बाद आखिरी चीज है, नहीं कमोटेटिव भी होगी, इनवर्स प्रॉपर्टी। इनवर्स प्रॉपर्टी कैसे सेटिस्फाई करोगे आप, इनवर्स प्रॉपर्टी इस तरह सेटिस्फाई करोगे कि अगर आपके पास ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स जो है, अगर वो आई टू के बराबर आ जाता है, फॉर ऑल ए और ए इनवर्स बिलोंग्स टू एम, तो आप कहोगे इनवर्स प्रॉपर्टी यहां पर सेटिस्फाई हो रही है। अब जरा करके देख लेते हैं। यहां पे अगर आप ऑब्जर्व करो, ए यहां पे क्या, फॉर एग्जांपल ए को कंसीडर कर लो, ये वाली चीज, ये आपने ए कंसीडर कर लिया। अब जरा इनवर्स निकालते हैं, इसका इनवर्स क्या होगा। इनवर्स के लिए आपको पता है एडजॉइंट अपॉन डिटरमिनेंट होता है, तो एडजॉइंट इसका क्या आएगा, एडजॉइंट इसका आएगा इन दोनों की पोजिशन चेंज करो, या यहां पर अल्फा आएगा, ठीक है, और इन दोनों के साइन चेंज करो, तो साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा, ठीक है। तो ये तो हो गया एडजॉइंट। अच्छा, एडजॉइंट मालूम करने के बाद आप यहां पे क्या करो, आप यहां पे डिटरमिनेंट मालूम करो। अब इसका डिटरमिनेंट मालूम करो, कॉस को कॉस से करो कॉस स्क्वायर अल्फा, माइनस साइन को माइनस साइन से करो माइनस साइन स्क्वायर अल्फा। तो सॉल्व करोगे इसका आंसर 1 आ रहा होगा, कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर 1 होता है, तो डिटरमिनेंट इसका 1 है।
तो जब इसको वन से डिवाइड करोगे उसको फर्क नहीं पड़ेगा इसका इनवर्स क्या रहा है इससे आ रहा है। तो अगर आप देखो एग्जैक्ट यही तो फॉर्म है इसकी भाई, इसमें और इसमें को फर्क है मसले बने में भाई। तो आपके पास यहाँ पे डिटरमिनेंट क्या रहा था, डिटरमिनेंट वन आ रहा था, आपने डिवाइड किया तो आपके पास इनवर्स आ गया ठीक है। अब अगर आपको पता है इनवर्स जो है ये भी एम से बिलोंग कर रहा है, मतलब अगर आप देखो तो ये एग्जैक्ट मैच कर रहा है इससे, क्यों मैच कर रहा है आप देख सकते हो ना। हाँ अगर आप बोलो कि माइनस का फर्क है तो माइनस का कोई फर्क नहीं है, इस पूरी चीज को आप इस तरह भी लिख सकते हो कॉस माइनस अल्फा साइन माइनस अल्फा माइनस साइन माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हो साइन माइनस अल्फा, इसको लिख सकते हो कॉस माइनस अल्फा। मैंने इस फॉर्म ये जो चीज है ये एग्जैक्ट इसके बराबर है, क्यों, क्योंकि कॉस माइनस अल्फा क्या होता है कॉस अल्फा के बराबर, साइन माइनस अल्फा होता है माइनस साइन अल्फा, और वो वाला से मल्टीप्लाई क्या हो जाएगा पॉजिटिव साइन अल्फा, मतलब इस पूरी चीज का आंसर होता है माइनस साइन अल्फा, उस माइनस को इस माइनस से करो तो पॉजिटिव साइन अल्फा हो जाएगा। इसी तरह साइन माइनस अल्फा क्या होता है माइनस साइन अल्फा, और कॉस माइनस अल्फा कॉस अल्फा के बराबर होता है। तो कहने का मतलब यह है कि इस मैट्रिक्स को बिल्कुल इसी फॉर्म में लिख सकते हो कि एग्जैक्ट साइन हर चीज मैच कर रही है, और यहां पे जो माइनस अल्फा है क्योंकि हर एक का एंगल सेम होना चाहिए ना इस फॉर्म में, अगर आप देखो तो माइनस अल्फा जो है वो रियल नंबर से बिलोंग कर रहा है। अब ये मसले चल रहे हैं, तो यहां पे सारी शरायत आपकी पूरी होगी। तो अगर आप देखो इनवर्स जो है वो इस फॉर्म में, तो ए और ए इनवर्स दोनों इस फॉर्म में, बस अब आखिरी चीज क्या है कि इनके दरमियान रिलेशन होना चाहिए कि जब आप मल्टीप्लाई करो तो आई टू आपके पास आए। तो करके देख लेते हैं आप यहां पे क्या करना, ये जो मैट्रिक्स ए है, मैट्रिक्स ए आपके सामने लिखी हुई है पूरी है, ये मैट्रिक्स ए है, इसको आप मल्टीप्लाई करना इसके इनवर्स से। एक भी मैं डायग्राम लगा दूंगा सॉल्यूशन स्टेप वहां पे हुए हैं। तो जब आप मल्टीप्लाई करोगे आप खुद ऑब्जर्व करोगे यहाँ पे आपके पास एक आइडेंटिटी मैट्रिक्स आ गई, तो एग्जैक्टली रिलेशन फॉलो हो गया जिसमें ए और ए इनवर्स इस मैट्रिक्स से बिलोंग कर रहे हैं और इनका मल्टीप्लीकेशन आई टू के बराबर है, तो दैट्स व्हाई बोल सकते हो इनवर्स यहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ये तो हो गया ग्रुप। उसके बाद कमोटेटिव है। अब कमोटेटिव आप किस तरीके से करोगे, अगेन आपको कम्यूटेटिव के लिए पहले आपने निकाला था ए बी, अब आपको निकालना पड़ेगा बी ए, आपको शो करना पड़ेगा। नॉर्मली मैट्रिक्स कम्यूटेटिव नहीं होती, यहां पे अगर कम्यूटेटिव है तो आपको दिखाना पड़ेगा। यहाँ पे एसोसिएटिव जैसे है ना, आपको पता है मैट्रिक्स एसोसिएटिव होती होती है, हर सिचुएशन में मैट्रिक्स एसोसिएटिव है, लेकिन इधर ये नहीं होगा। तो आप पहले ए बी निकालना, ए बी आपके पास ऑलरेडी निकली हुई है तो दोबारा निकालने की जरूरत नहीं है। फिर जो मैंने तस्वीर ऐड की होगी देख लेना, उसमें आप बी ए निकालना, एग्जैक्ट जब बी ए निकालोगे ये मैट्रिक्स आपके पास आ रही होगी, तो ऑब्जर्व करोगे ए बी और बी ए यहां पे बराबर है, इसका मतलब इस फॉर्म की जितनी मैट्रिक्स है वो यहां पे क्या है कमोटेटिव है। तो चार प्रॉपर्टी आपने पहले सेटिस्फाई की थी, कमोटेटिव भी सेटिस्फाई कर ली, इसका मतलब सवाल में वर्डिंग क्या थी कि ये एबिलियन ग्रुप बना रही है विद रिस्पेक्ट टू मल्टीप्लीकेशन। उसके बाद बच्चों एट है, एट में लिखा हुआ लेट ए बाइनरी, लेट अ बाइनरी ऑपरेशन बी डिफाइन ऑन जेड बाय, मतलब इंटीजर पे डिफाइन आपने किया हुआ है, और है क्या बाइनरी ऑपरेटर, बाइनरी ऑपरेशन है ए स्टेरिक बी, ये बराबर है ए प्लस बी माइनस ए बी के, और डिफाइन किया था आपने इंटीजर्स में, इस इंटीजर अ ग्रुप, मतलब ये चीज पूछी गई है कि क्या इंटीजर ग्रुप है विद रिस्पेक्ट टू दैट ऑपरेटर, और उस ऑपरेटर की डेफिनेशन दी गई है। तो अगेन सबसे पहले क्लोजर आपने देखना है, तो बच्चों आप ए बी के कोई भी इंटीजर वैल्यू पुट करोगे ना यहाँ पे तो आंसर में इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन कैसे आएगी यहाँ पे, जब आप ए और बी की कोई इंटीजर वैल्यू पुट करोगे, मतलब ए स्टेरिक बी जो है वो बिलोंग करेगा जेड से, फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू जेड, आप कोई भी इंटीजर अगर यहां पे पुट करोगे इस ऑपरेटर के अंदर तो आंसर में कोई इंटीजर ही आएगा, फ्रैक्शन तो नहीं आ सकती, इसका मतलब क्लोजर प्रॉपर्टी तो सेटिस्फाई हो रही है। एसोसिएटिव भी हो जाएगी, चेक करके देख लेते हैं, ए स्टेरिक बी स्टेरिक सी, तो मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं इसका आंसर क्या होगा, डायरेक्ट चलो नहीं लिखता, मैं भी गलती कर सकता हूं, ये इस चीज का रिजल्ट ये होगा ठीक है, और इसका आपने ऑपरेटर लेना है सी से। तो अब इसमें वही चीजें हमने पहले भी किया था, सबसे पहले पहली चीज देखो, पहली चीज यहां पे है a प्लस बी माइनस ए बी प्लस, दूसरी चीज देखो, दूसरी चीज क्या है c माइनस, उन दोनों को मल्टीप्लाई करो तो c मल्टीप्लाई a प्लस बी माइनस ए बी, तो सॉल्व करने हो जाएगा a प्लस बी माइनस ए बी प्लस सी माइनस ए सी माइनस बी सी प्लस ए बी सी, कुछ कैंसिल नहीं हो रहा, आप इसको डिफरेंट भी कर देना सेम ही आ रहा होगा, हाँ आई गेस सेम ही है, इसका आंसर में क्या लिखा हुआ था, आंसर में यस लिखा हुआ था इसके रेट में तो सही होगा, उसके बाद चेक कर लेना आप लोग। फिर आइडेंटिटी आप देखते हो, आइडेंटिटी का काम क्या है, ए स्टेरिक ई बराबर होना चाहिए ए के, इन दोनों के दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करो तो हो जाएगा ए प्लस ई माइनस ए ई, ए से ए कैंसिल, आप ई यहां से कॉमन लो, वन माइनस ए इक्वल टू जीरो, आइडेंटिटी यहां पर बच्चों आ जाएगी जीरो, डेफिनेटली जीरो भी एक इंटीजर नंबर है तो आइडेंटिटी इसी सेट के अंदर मौजूद है,
तो आइडेंटिटी अच्छा इसको सेटिस्फाई आप चेक भी कर सकते हो आप, फॉर एग्जाम्पल एक इंटीजर लो टू, उसको ऑपरेट करवाओ जीरो से तो आंसर में टू आना चाहिए। तो देख लेते हैं ये किसके बराबर होगा, सबसे पहला नंबर प्लस दूसरा नंबर माइनस दोनों नंबर को आपस में मल्टीप्लाई करो, तो ये पूरी चीज जीरो, ये पूरी चीज जीरो, आंसर जस्ट टू बच रहा है, इसका मतलब बाकी आइडेंटिटी जीरो ही है। फिर आप निकालोगे इनवर्स, इनवर्स का मतलब कि अगर आप एक नंबर को इनवर्स से ऑपरेट करवाते हो रिजल्ट में आइडेंटिटी आती है, इन दोनों के दरमियान ये ऑपरेटर अप्लाई करो ए प्लस ए इनवर्स माइनस ए मल्टीप्लाई ए इनवर्स और आइडेंटिटी यहां पे क्या है जीरो। तो सॉल्व करो ये हो जाएगा ए इनवर्स कॉमन इन दोनों में से वन माइनस ए हो जाएगा, इस ए को उधर ले जाओ ये माइनस ए है तो ए इनवर्स यहाँ पे क्या होगा माइनस ए अपॉन वन माइनस ए, क्योंकि साइड का सवाल पहले भी किया था उसमें प्लस था इसमें नेगेटिव है। तो अब जो है ना यार इनवर्स पॉसिबल नहीं है, क्यों, क्योंकि अगर आप कोई इंटीजर पुट करोगे ना इनवर्स उसका जरूरी नहीं है कि इंटीजर आएगा, फ्रैक्शन आगे ना फ्रैक्शन में आ सकता है। फॉर एग्जांपल आप जस्ट ए की जगह वन पुट कर लो यहाँ पे, अच्छा ये तो एक और नई चीज पता चली है, अगर ए वन पुट करोगे आपके पास अनडिफाइंड आ रहा है तो वन का भी इनवर्स मौजूद नहीं है यहाँ पे। अगर आप ए की जगह वन पुट करो ना यहाँ पे तो ये नीचे वन पुट करो वन माइनस वन जीरो, तो नीचे जीरो आ गया, इसका मतलब अनडिफाइंड है तो वन का भी इनवर्स नहीं है। और वैसे आप कोई और नंबर भी पुट कर लो, फॉर एग्जाम्पल टू पुट कर रहे हो तो आंसर आएगा माइनस टू अपॉन नहीं टू का तो पॉसिबल होगा थ्री पुट कर लेते हैं, थ्री पुट करो ऊपर होगा थ्री नीचे पुट करो वन माइनस थ्री ये हो जाएगा माइनस थ्री अपॉन माइनस टू मतलब थ्री अपॉन टू और थ्री अपॉन टू डेफिनेटली कोई इंटीजर नहीं है। तो दैट्स व्हाई आप लिखना जो इसका इनवर्स है वो डजंट बिलोंग टू रियल नंबर, देयरफॉर इनवर्स डजंट एग्जिस्ट, तो आपका ये जो सेट है ये ग्रुप नहीं है। अच्छा मेरी बुक में आंसर यस लिखा हुआ था एट का, नहीं नो लिखा हुआ सॉरी, तो एसोसिएटेड तो हो गया होगा आई एम श्योर हो गया होगा ज्यादातर हो जाता है ये, लेकिन इनवर्स जो है वो यहां पे एग्जिस्ट नहीं कर रहा देयरफॉर ये ग्रुप नहीं है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर नाइन है, क्वेश्चन नंबर नाइन में बोला है इफ ए स्टैरिक ए ए के बराबर है तो प्रूफ करो ए जो है वो ई है यहां पे, मतलब ए जो है वो बेसिकली आइडेंटिटी है यहां पे। तो बहुत इजी तरीका है प्रूफ करने का, तरीका ये कि भाई वी नो दैट, ये शॉर्ट फॉर्म है डब्ल्यू के टी, वी नो दैट के आइडेंटिटी की प्रॉपर्टी क्या होती है कि ए स्टेरिक ई जो है वो बराबर होता है ए के, बट इन दिस सवाल उन्होंने आपको बोला है कि ए स्टेरिक ए जो है वो ए के बराबर है। तो अगर आप इन दो चीजों को कंपेयर करो, पहली चीज आपको पता है कि आइडेंटिटी को जब ए से ऑपरेट करवाते हैं आंसर ए आता है, और दूसरी चीज सवाल ने आपको दिया है कि ए स्टेरिक ए यहां पर ए के बराबर है, तो जब आप इन दोनों को कंपेयर करोगे आपस में तो आप इस नतीजे पर पहुंचोगे कि जो ई है वो यहां पर किसके बराबर है ए के बराबर है, जो यहां पर रोल ई का है वो यहां पर रोल ए का। तो यहां पे आपको मिलेगा कि जो ए है वो ई के बराबर है या ई ए के बराबर है, क्योंकि आपको पता है कि अगर एक आइडेंटिटी है उसको अगर आप अपने आप से ऑपरेट करवाओगे तो वही आंसर आएगा। फॉर एग्जांपल वन जो है वो एक आइडेंटिटी है मल्टीप्लिकेशन के एस्पेक्ट से, तो वन को वन से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर क्या आएगा वन आएगा, ठीक है। इसी तरह जीरो जो है वो एडिटिव आइडेंटिटी है, जीरो को जीरो में एड करोगे तो आंसर क्या आएगा जीरो आएगा, तो तीनों चीजें बराबर आ रही होती। तो खैर ये तो खैर बहुत छोटी चीज थी, प्रूफ कर ली है। तो बच्चों चैप्टर नंबर फोर जो है सॉरी चैप्टर नंबर फाइव जो है हमारा कंप्लीट हो गया, फर्स्ट ईयर का कोर्स हमारा कंप्लीट है।